घबराने की बात नहीं है, वैसे तो हमने उनको ड्रिप लगा दी है और ब्लड टेस्ट के लिए कुछ सैंपल भिजवा दिए हैं। थोड़ी ही देर में रिपोर्ट आती है तो हम आपको बताते हैं। नहीं जाऊंगा मैं, जब तक हादिया को होश नहीं आता मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अच्छा, तुम चाहते क्या वरास? तुम चाहते क्या बाबा को कॉल करके बताऊं तुम दोनों की मोहब्बत के किस्से में, बताऊं कि कैसे उनका लाडला भांजा उनकी बहू से, मेरी बीवी से चुप चुप के मिलता है? तुम्हारे इन वास बातों पर मामू जान कभी यकीन नहीं करेंगे। अच्छा, ये लगता है तुम्हें? और जब वो वीडियो देखेंगे, वो सबूत देखेंगे, फिर क्या लगता है तुम्हें क्या कहेंगे वो? मुझ पे यकीन करेंगे या नहीं करेंगे? सबूतों में कोई हकीकत नहीं है इंसान, अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम अपनी बीवी की इज्जत का सोचो तुम। पर एतबार करने लगी है वो रमशा की वजह से। शट अप। बस बहुत हो गया, बहुत ले ली तुमने मेरी जगह। हमेशा से मेरी जगह लेते आया हो तुम, लेकिन अब मैं बाबा के सामने तुम्हें इतना जलील करूंगा कि वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। मामू जान तुमसे ज्यादा मुझ पर वादिया पर एतबार करते हैं। याद है ना तुम्हें जब पहली बार मामू जान को रमशा के बारे में पता लगा था, रिएक्शन चेक किया था उनका? सोचो, तो जब उन्हें पता लगेगा कि तुम अपनी रमशा के साथ कॉन्टेक्ट में हो तो क्या करेंगे? यकीन नहीं आता कि तुम जैसे घटिया इंसान के साथ आदिया कैसे फंस गई। आप लोग आराम से बात कीजिए, ये हॉस्पिटल है, यहाँ शोर करना मना है।